कई बार मेंस में और नीट के लिए, एनसीईआरटी में तो नहीं कहूँगा, मेंस और नीट में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखने को मिले हैं इस शीट में। तो पहला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलाज हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर। देखो जो सॉलिड स्फेयर होता है ना, सॉलिड स्फेयर, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पे, पता ही है, सिमेट्रिकल है। पर अगर मैं हेमिस्फेयर लूँ आधा, अब हेमिस्फेयर की प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर ज़्यादा मास है, फिर कम 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 है। तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो ज़मीन से कितनी हाइट पे लाई करेगा, 3r/8 फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट है हाफ रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, पर अगर आधा सेमी सर्कल हो तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी, 2r/π। नेक्स्ट है सॉलिड कोन, भरा हुआ वॉल्यूम वाइज कोन है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ज़मीन से h/4 पे। क्वेश्चन आया हुआ है वर्टेक्स से बताओ क्या हाइट है, तो अगर टोटल हाइट h है, ज़मीन से हाइट h/4 है, तो वर्टेक्स से कितनी है, h-h/4 है, ठीक है। हॉलो कोन है, खाली पड़ा है, तो h/3 नीचे से, सारी हाइट हम नीचे से ले रहे हैं। नेक्स्ट है हाफ डिस्क, आधी डिस्क है एरिया वाइज, तो हाइट क्या होगी, 4r/3π। ऐसे ही हॉलो हेमिस्फेयर, क्या हाइट होगी, r/2। अब आप पूछेंगे कैसे, मेंस नीट में सिर्फ फॉर्मूलाज आते हैं, कैसे नहीं आता। कोई अगर फिर भी ऑप्शनल देखना चाहे कि नहीं मेरे को देखना है कैसे, मुझे व्हाट्सएप करें या मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसकी प्रूफ की, एक एक फिगर का प्रूफ है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, टोटली ऑप्शनल है। कोई एडवांस में जाना चाहे कि एडवांस का टॉपिक करना है, कभी फ्री टाइम हो ज़रूर देख लें कि कैसे इसकी इंटीग्रेशन की हुई है, बिल्कुल डिफरेंट इंटीग्रेशन है थोड़ी सी, तो देख लेना। अदरवाइज अगर कोई मेंस नीट तक जाना चाहता है उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर फॉर्मूलाज ही आते हैं, बट हाँ बुक्स, एक आध बुक में एचसीएल जैसी बुक के अंदर गिवन है इसके प्रूफ, इसलिए मैंने भी वीडियो बना रखी है उसकी पूरी, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो इसको एक बार देख लेना।